खबर सुल्तानपुर से है, जहां आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ कांग्रेसियों को अखर गई है। इस बात को लेकर सुल्तानपुर में भी कांग्रेसी सड़क पर उतर आए। डीएम ऑफिस में प्रदर्शन करने पहुंचे कांग्रेसियों ने नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद का नारा लगा डाला। इसके अलावा चौकीदार चोर है, राहुल गांधी शेर है, ऐसे नारों से की गूंज होती रही। कांग्रेसियों ने अपना मांग पत्र अधिकारियों को सौंपा। बताते चले कि मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष किस तरह गरीबों मजलूमों की लड़ाई लड़ते रहे और केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों का मुंह तोड़ जवाब देने वाले राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड जैसा मामला आज लाकर पैदा किया जा रहा है। उन पर दबाव बनाने के लिए फर्जी ढंग से जांच बैठाई जा रही है। मोदी का जो तोता जिसका नाम ईडी है, उसके जरिए राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। उनकी छवि को केंद्र सरकार द्वारा खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके विरोध में आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं। पीएम ने नौजवानों का सपना तोड़ा। बताते चले कि अभिषेक सिंह राणा ने आगे कहा कि सेना भर्ती में सरकार ने जो अग्निपथ अग्निवीर बनाया है, हम इसका विरोध करते हैं। एक नौजवान जिसका एक सपना होता है, हाई स्कूल पास करने के बाद हम देश की सीमा की रक्षा के लिए हम सेना में जाएंगे, हम देश की सीमा पर खड़े होकर शहादत देंगे, उसका सपना आज केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में है कि जनपद में 25,000 नौजवान जो सुबह 3 बजे उठकर दौड़ना शुरू करते हैं, उन सारे नौजवानों का सपना टूटने जा रहा है। प्रधानमंत्री का यह अदूरदर्शी कदम है, यह पता नहीं आगे क्या करेगा। कांग्रेस पार्टी इसका भी विरोध कर रही है, इसके खिलाफ भी हम सड़क पर उतरेंगे। हम इनके इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। शेयरमैन प्रतिनिधि के खिलाफ तेज बहादुर ने उठाया था आवाज। वही परिणीत बौद्धिक द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई पोस्ट, जिस पर उसे पुलिस ने जेल भेजा है। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष तेज बहादुर पाठक द्वारा उस पोस्ट का समर्थन करने पर भी कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा से सवाल हुआ। उन्होंने कहा कि गलती से पोस्ट लाइक हो गया होगा, उन्होंने गलती मानी है। उन्होंने कहा शहर के चेयरमैन का प्रतिनिधि जब पैगंबर साहब को गाली देता है, भगवान परशुराम को अपशब्द कहता है, तो उसी शख्स ने आवाज उठाया था। सुल्तानपुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी तेरी ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी अंदर मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी के डब्बे गुंडा करती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे लोगों का विरोध करती है जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं, जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, जाति धर्म बिरादरी की बात करते हैं। हम लोग हमेशा इसका विरोध करते हैं। हम लोगों को सिखाया गया है, हम लोगों को बताया गया है कि ये देश सभी का है, सबके खून पसीने से बना है। हम लोग सबको साथ देकर चलते हैं। वो सुधे कुटुम्बकम की भावना हमारी पार्टी की है, वही हमारी रीत है, नीत है। ईद के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईद के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं, पूरा देश देख रहा है किस तरह कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हमेशा गरीबों मजलूमों की लड़ाई लड़ने वाले, उनकी आवाज़ बुलंद करने वाले, केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों का मुंहतोड़ जवाब देने वाले राहुल गांधी जी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड जैसा मामला ला के पैदा किया गया, उनके ऊपर जांच बैठाई जा रही है फर्जी ढंग से उनको दबाव बनाने के लिए कि राहुल जी चुप हो जाएं। जो केंद्र सरकार मोदी जी का जो तोता है जिसका नाम ईडी है, उसके जरिए राहुल जी को परेशान किया जा रहा है, उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा। इसके विरोध में आज हम कांग्रेस के लोग सड़क पर उतरे हैं। सेना भर्ती लेकर अभी एक मामला आया है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? सेना भर्ती का इन्होंने जो बनाया है ये अग्निपथ अग्निवीर, हम इसका विरोध करते हैं। सेना एक नौजवान जो तैयारी करता, जिसका एक सपना होता है जब वो 14 साल 15 साल हाई स्कूल पास करने के बाद कि हम देश की सीमा की रक्षा करेंगे, हम सेना में जाएंगे, हम देश की सीमा पे खड़े होंगे, शहादत देने के लिए तैयार रहता है, उसका सपना आज अपने जनपद में ही मेरी जानकारी में है लगभग 25,000 नौजवान हैं जो सुबह 3 बजे उठ के बेचारे दौड़ना शुरू करते हैं, 5 बजे तक वो
दौड़ते हैं, वर्जिश करते हैं, तैयारी करते हैं। हर गांव में एक ग्राउंड भरा हुआ है जहां वो जाके प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, और उन सारे नौजवानों का सपना टूटने जा रहा है। प्रधानमंत्री की अदूरदर्शी जो नीति है, अदूरदर्शी कदम है, या पता नहीं आगे क्या करेगा। कांग्रेस पार्टी भी इसका विरोध कर रही है, इसके खिलाफ भी हम सड़क पर उतर रहे हैं। इसको हम खत्ता ही इनका मंसूबा, इनका काम कामयाब नहीं होने देंगे। अध्यक्ष जी, आपकी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने एक विवादित बयान पर लाइक किया है, जो भी मामला भी चल रहा है, उस पर क्या कहना है आपका? कहीं कोई लाइक नहीं है मेरी समझ से, प्रूफ है कहीं किया है? कहीं कोई लाइक हो भी गया होगा भैया, लाइक उसके लिए उन्होंने गलती भी मानी है, गलती से किसी बच्चे के हाथ में मोबाइल रहता है, हो जाता है, उसके लिए उन्होंने गलती स्वीकार की है, और इसके लिए उन्होंने गलती स्वीकार की है। बात अगर कोई गलती मान लेता है, अपनी गलती उन्होंने मानी है, तो इसके लिए उनको हम लोगों ने इसके लिए हम लोग उनको इसके लिए क्षमा किया है, हमारे कांग्रेस परिवार ने। लाइक कर देने से एफ आई आर ना, उन्होंने अनलाइक भी किया, ये भी देखिए, उन्होंने इस शहर का चेयरमैन का प्रतिनिधि, सुनिए, शहर का चेयरमैन का प्रतिनिधि जब पैगंबर साहब को गाली देता है, जब भगवान परशुराम को बारे में अपशब्द बोलता है, तब वही एक शख्स ने आवाज़ उठाता है। अगर आज एक छोटी सी गलती उसके घर के किसी बच्चे द्वारा हो गई है, मेरी समझ से इसको आप सभी को इसको भूलना चाहिए जी। कांग्रेस पार्टी पूरे मामले में कहां खड़ी है? कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे लोगों का विरोध करती है जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं, जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, जाति धर्म बिरादरी की बात करते हैं। हम लोग हमेशा इसका विरोध करते हैं। हम लोगों को सिखाया